कि ओ सोहने जोगिया कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आछुराए, हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया। मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आछुराए, हमें हमें कोई लेना देना नहीं। ला गीत को सुनिएगा। माता सती अपने पिता के यहाँ बिन बुलाए पहुंची, और जब बिन बुलाए पहुंची तो वहां पर अपने पति का कोई भी स्थान नहीं पाया, तो सती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, ये अपमान सती जी सहन नहीं कर पाई। तो सती जी ने किया क्या? क्या किया? सुनिए रंगीला जी। हुआ दुखी हृदय में भारी, हुआ दुखी हृदय में भारी, देखा पति का तिरस्कार है, तिरस्कार है, हलचल सी होने लगी माता सती को, हलचल सी होने लगी, दीना स्वयं के तन को जा रहे हैं, तन को जा रहे। माता सती ने योग अग्नि से अपने तन को ही जला दिया, और जैसे ही समाचार भोलेनाथ तक पहुंचा तो भोलेनाथ क्रोधित हो गए। जब क्रोधित हो गए तो भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने आकर के यज्ञ विध्वंस कर दक्ष का शीश काट दिया, और जब दक्ष का शीश काट दिया तो हुआ क्या? क्या सूर्य का सम्मान लिए। जब दक्ष का शीश कटा तो हाहाकार हुआ वो कैसा, हाहाकार हुआ वो कैसा, नभ में डोल रहा है कटा सर बोल रहा है। क्या बात है रंगीला जी, ये पहली पंक्ति है। हाहाकार हुआ वो कैसा, नभ में डोल रहा है कटा सर बोल रहा है।
करेगा। जिस समय मेघनाथ की भुजा कटकर गिरी, उस कटी भुजा को देख करके सती सुलोचना घबरा गई, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि ये सब कैसे हो गया। तो देखिए हुआ क्या, क्या हाथ ने लिखा वो लड़का कि हर कोई हारा रण में। सुलोचना कह रही है क्या, हर कोई हारा रण में होती कभी ना देखी हार है, देखी हार है। जब हाथ ने युद्ध का हसारा हाल लिख दिया तो हाल जानकर के सती सुलोचना अपने पति का शीश मांगने के लिए रामादल में पहुंच गई। जय हो। तो रामादल में भी एक शर्त रख दी गई कि अगर ये शीश हंस दे तो तुम्हें तुम्हारे पति का शीश दे दिया जाएगा। जय। तो हुआ क्या, क्या के हो ना हंसी हो ना हसी सत पल बुक का सोटी पर कैसा कस रहा कटा सर हसे रहा है। हो ना हसी सत पल बुक का सोटी पर कैसा कस रहा कटा सर हसे रहा है। महाभारत युद्ध के समय जब बारबरीक से शीश मांगा गया तो बारबरीक ने कहा कि प्रभु मैं शीश तो दे दूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्त है, उस शर्त को स्वीकार करिए। है शर्त मेरी यही चाट भंडार मारुति सर्विस सेंटर के बगल में महोबा रोड छतरपुर बनगाए वाले आपके करकमलों से 251 समस्त पार्टी के लिए प्राप्त हुए हैं, पूरे मंडल के लिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए कहा बरवरीक ने कि है शर्त मेरी यही हृदय में अरे उद्गार है उद्गार है।
कैसी शर्त, क्या उद्गार? हो पूर्ण इच्छा मेरी, हे प्रभु, हो पूर्ण इच्छा मेरी कीजे हृदय से स्वीकार है, स्वीकार है। बर्बरीक ने शर्त रख दी कि महाभारत युद्ध पूरा होने तक मैं पूरा महाभारत युद्ध देखूं। ये मेरी शर्त है, ये मेरी इच्छा है प्रभु। तो हुआ क्या? कि हर एक वीर का समर भूमि में, हर एक वीर का समर भूमि में कर जो विवेक रहा है, कटा सर देख रहा है। सामान्य मेरी पहली पंक्ति में कटासर बोल रहा है और अगली पंक्ति में कटासर हंस रहा है, और आइए तीसरी पंक्ति क्या बोल रही है। कि हर एक वीर का समर भूमि में कर जो विवेक रहा है, कटासर शमाने रंगीला जी, ये अंतिम पंक्ति जहां से आप अभी आए हैं, आपको महोबा पड़ा होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो सुनिए, हर कोई जाने जिसको हर कोई जाने जिसको नगर वो महोबा जो महान है, जो महान है, है वीर भूमि बाकी। जय हो, बहुत बढ़िया। महोबा है वीर भूमि बाकी, आला उदल की जग में शान है, जग में शान है। जिस समय आला उदल माड़ो पहुंचे, और माड़ो पहुंचते ही एक अचंभा देख रहे हैं। क्या अचंभा देखा? क्या कि एक पेड़ की डाल से एक कटा हुआ शीश लटका है, और वो शीश कर क्या रहा है? शीश रो रहा है के हुए प्रेमित चित, के हुए प्रेमित चित चकित हुआ है, के हुए प्रेमित चित चकित हुआ है, देख के दुख हो रहा कटा सर रो रहा है, कटा सर रो रहा है, कटा सर रो वास्तव में बहुत मजबूत होती हैं। तो ऐसे कलम के धनी भैया बाबूलाल जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। बहुत ही मजबूत गीत आपने दिया है, और एक तरह से हम कलाकारों की अग्नि परीक्षा भी हो रही है। क्या? तो आइए, गीत का प्रयास कर रहा हूं कि शायद जवाब बन जाए। चलवड़े ओ सोने जोगिया, ओ, 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 ओ
और फिर से खिला दे कलिया कलिया खिला दे गोरे अंग में गोरे अंग में मिलो न तुम तो अरे मिलो न तुम तो हम घबराए ओ कमला जी मिलो न तुम तो हम घबराए अरे मिलो न तुम तो हम घबराए ओ मिलो तो मार भगाए हमें क्या हो गया है अरे तुम्ही से दिल का राज बताए तुम्ही से राज छुपाए हमें क्या हो गया है 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 हाहाकार इसमें बहुत बेस्ट आ गया हेलो 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 जिसे पहले राउंड में था उस तरह बनाइए अभी आवाज खींच रहा है आप देखो हेलो हेलो हाहाकार हुआ है कैसा नभ में डोल रहा है कटा सर बोल रहा है कटा सर हंस रहा है कटा सर देख रहा है और कटा सर रो रहा है बढ़िया बात है शरीर का एक अंग वो भी कटा हुआ सर क्रियाएं कर रहा है चाहे वो हंसने की क्रिया हो चाहे रोने की चाहे बोलने की और चाहे देखने की लेकिन आदरणीय सम्मानीय बाबूलाल भैया अगर गीत आपके घर का है फुर्सत का है तो तुरंत की रचना हमारे सम्मानीय रचनाकार बाबा राम सजीवन पाल जी की है शायद आपको उचित पंक्तियां मिल जाएं इस आशय के साथ जवाब की पंक्तियां पढ़ रहा हूं सुनिएगा आदरणीय कमला जी आपका गीत हा से शुरू है और हा पे खत्म है हालांकि आपने चालाकी दिखाई है और आपने कह दिया कि आप चिंता मत करिए मैं भी आपकी साली ही हूं जब आप बाबूलाल भैया को बड़े भैया मानते हैं तो मैं भी आपकी साली ही हूं मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है साली साहिबा क्योंकि मैं अगर आप साली हैं तो मैं भी सौभाग्यशाली हूं इसलिए चिंता मुझे नहीं करनी है मैं तो बहुत खुश नसीब हूं कि आज हम भी आपकी श्रेणी में शामिल हो गए हैं और बड़ा स्नेह आपका मिला प्यार मिला इसके लिए साधुवाद लेकिन साली साहिबा चंचलता ज्यादा ठीक नहीं है अगर हमने अपने गीत में बता दिया कि इसमें कीर्तनकारों के नाम लगे हैं कीर्तनकारों के नाम लगे हैं तो आपने थोड़ी सी चालाकी की और अपने साली होने का हुनर दिखा दिया और गीत ऐसा गाया कि जिससे शुरू उस पे खत्म आपने बताया नहीं ये तो हम आपको अगर देखते ना तो समझ ही ना पाते कि खेला क्या चल रहा है लेकिन और चारों युग में कटे हुए सबकी क्रियाएं हो रही हैं एक कहानी हमारी तरफ से सुनी बताओ हुए हैं करिश्मे अजब ओ
101 पत्र मुद्राएं आदरणीय श्री रमेश चंद्र सोनी जी, श्री कपिल सोनी जी बनगाएं, इन्होंने लिखा बहुत अच्छा चलते रहो, मतलब आपकी भी रजामंदी है, ये साली साहिबा ही हैं, हम तो चलते रहेंगे लेकिन आप लोग इसी तरह भेज भेज के चलाते रहो, हम तभी चल पाएंगे, जब ईंधन नहीं होगा तो कहां से चलेगा इंजन, और क्या मोबिल डालते रहो। हुए हैं करिश्मे अजब कटे सर निराले, करे काम है करे काम है, कटे सर की ही बात मैं कर रहा हूं। आदरणीय बाबूलाल भैया, आदरणीय कमला जी, हुए हैं करिश्मे अजब कटे सर निराले, करे काम है करे काम है। आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा, क्या क्या है, छिन्न मस्ता देवी माता पार्वती का स्वरूप है, है छिन्न मस्ता देवी उनका कथानक हुआ आम है, हुआ आम है। अब सभी लोग उनकी कहानी को जानते हैं कि हर कोई चकराए लख कर, हर कोई चकराए लख कर, ओकर पे वो जी रहा है कटा सर पी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है बाबूलाल भैया। वो माता छिन्नमस्ता अपने ही शीश को काट करके अपने हाथों पे रख देती हैं, तीन धाराएं निकल पड़ती हैं, जया विजया आदि के लिए भवानी ने अपने ही शीश को काट दिया और तीन धाराएं निकल पड़ी, अब वो कटा शीश पी रहा है जया विजया इत्यादि के। हर कोई चकराए लख कर, और कर पे वो जी रहा है कटा सर पी रहा है, कटा सर पी रहा है। और ये दृश्य देख करके, अरे हर कोई चकराए लख कर, कर पे वो जी रहा है कटा सर पी रहा है, एक टुकड़ा और सुनिए। कटा सर बोल रहा है तो देखिए एक शीश मैं भी बोलवा रहा हूं, कैसे 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 हुआ जब समर रघुबर से, ओ त्रेता युग में हुआ जब समर रघुबर से कटे सर हुआ बोला चार है, बोला चार है, कौन दशानन रघुबर और रावण से युद्ध चल रहा है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। हुआ जब समर रघुबर से कटे सर हुआ बोला चार है, बोला चार है, और जब कट
करके गिर जाता था तो हंसता था हर सर कह के, हंसता था हर सर कट के, कहां राम करता हुंकार है, हुंकार है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिख दिया कि कहां राम रन हतो पचारी। और ये जो भी बोला गया उस रावण के कटे हुए शीश के द्वारा बोला गया। अब वो शीश जो प्रभु राम काट देते थे लेकिन हंसते हुए वो सर बोलने लगता था कहां राम रन हतो पचारी। तो हनु राम को वो कटा हुआ शीश रावण का, हनु राम को समर भूमि में, राम परेशान थे, उसकी 20 भुजाएं 10 शीश कट जाते थे लेकिन फिर से जीवित हो जाता। तो हनु राम को, अरे हनु राम को समर भूमि में, और मैं में डोल रहा है कटा सर बोल रहा है। किसका? किसका? दशानन का। कटा हुआ सर हंसते हुए बोला कि कहां राम रन हतो पचारी। तो हनु राम को समर भूमि में डोल रहा है कटा सर बोल रहा है। अब आइए द्वापर युग में, हरे प्राण अपने पिता के, जयद्रथ की मैं बात कर रहा हूं, हरे प्राण अपने पिता के, कटा शीश बन के आया काल है, आया काल है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं इस कथानक को, जयद्रथ का सर जब अर्जुन के तीर से कट करके अपने पिता की गोद में जा गिरा, जयद्रथ का सर। और जैसे ही उनकी गोद में जाके गिरा तो जयद्रथ के पिता का भी प्राणांत हो गया। ये सभी लोग जानते हैं। अब कलयुग की मैं बात करना चाहूं समय को देखते हुए, हरता व्यथा है सबकी, हरता व्यथा है सबकी, और जीवन बनाता खुशहाल है, खुशहाल है। तो हरे व्यथा वो, हरे व्यथा वो कौन, हरे व्यथा वो शीश के दानी, हरे व्यथा वो शीश के दानी, और जग में गूंज रहा है कटा सर पूंज रहा है। वाह, कटा सर पूंज रहा है। तो हरे व्यथा वो शीश के दानी, जग में गूंज रहा है कटा सर पूंज रहा है। बात कर रहा हूं खाटू वाले श्याम की, मैं बात कर रहा हूं इस कलयुग में आज भी, हरे व्यथा वो,
हरे व्यथा वो शीश के दानी और जग में गूंज रहा है कटा सर पूंज रहा है कटा सर कटा सर पी रहा है कटा सर बोल रहा है कटा सर पूंज रहा है कटा सर पूंज रहा है। ये रहा बहुत बहुत साधुवाद है आपके उसे बहुत ही मजबूत गीत का अपनी तरफ से थोड़ा बहुत प्रयास एक गीत सुनिएगा। हाँ।